अल्लाह के रास्ते में देने से मन कौन और अल्लाह अल्लाह का बात। तो हजरत सिद्दीक पर ये बात अल्लाह उन्होंने मान भी हुजूर की बात पर पेश की और आज से इंसान को सिद्दीक पर ये बात अल्लाह ने अपनी औलाद का रिश्ता भी हुजूर के साथ जोड़ दिया और ये किसी शख्स की सीरत का प्रमाण। जब हिजरत की रात हुजूर आए और आके सिद्दीक अकबर के अल्लाह ताला ने कहा कि अबू बकर नास की बात है, खलबत चाहिए, तन्हाई चाहिए, तो हजरत सिद्दीक अकबर भी अल्लाह ताला ने एक जुमला कहा जिसको सीरत की रात में लिखा है। हजरत सिद्दीक अकबर ये सीरत निगार कहते हैं सिद्दीक अकबर की जिंदगी का हुस्न। उन्होंने कहा हुजूर जैसी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ मेरे घर वाले भी आपसे वैसी मोहब्बत करते हैं, आपने जो बात करनी है उनके सामने करें, यहाँ से रास बात बात ही जाएगी। और ऐसे ही जब हुजूर निकल के चले गए कुफारे मक्का ने 100 सुर्ख ऊंट इनाम में रखे थे, सुराका बिन मालिक हुजूर तक पहुंचा था जब उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते, मुख्तलिफ सिमतों में लोगों को दौड़ाया गया, 100 ऊंट उस दौर में कितनी बड़ी कीमत थी। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के गुलाम भी 100 ऊंटों की तरफ तिरछी निगाह से भी नहीं देखे और हुज़ूर से किसी शख्स की सीरत का प्रमाण होता है। जैसा रंग सिद्दीक अकबर पे चढ़ा था वैसा रंग उन्होंने अपने बच्चों पे चढ़ाया, अपने गुलामों पे चढ़ाया, अपने खादिमों पे चढ़ाया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा ही था जो सारा दिन मक्के में रह के खबरें जमा करता, रात होती तो गारे सौर में जाके हुजूर को दिन के हालात बता के आता। तो साहिब जी किसी शख्स से मोहब्बत का हकीकी रूप आपके मिलने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपकी नस्ल भी उस रंग में रंगी जाए जिसमें आप रंगे हो। हमारा अरमी आज ये है कि जो पांच गाना नमाज का पाबंद है वो अपनी औलाद को पाबंद नमाज नहीं बना सकता, जो दीन के साथ टूट के मोहब्बत करने वाला है वो अपने बच्चों के सीने में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। तभी तो घर में शादी गमी खुशी आ जाए तो मसला बना होता है, बाबा के तब तक मैं अजान पढ़ता हूँ मस्जिद में होता हूँ और अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बच्चे कहते हैं आप जो मर्जी कर रहे हैं, हमने तो अपनी मर्जी कर दी क्योंकि हमने वो फिक्र को रोशनी आगे तक। आखिरी बात, हजरत सिद्दीक अकबर के अल्लाह तआला का एक वस्फ आपकी सीरत का एक पहलू, अल्लाह ने आपको खशियत इलाही का जज्बा अता किया, अल्लाह का खौफ जो हर इबादत की जान होती है। अगर वो खौफ खुदा नहीं है आपका कोई अमल भी इलाहियत नहीं पा सकता, इखलास नहीं पा सकता। अगर अंदर खौफ इलाही है तो फिर आपका हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत है। इबादतों की जान होती है जो खौफ है, जो इबादत में खौफ से खाली वो उस पाए की जो खौफ के साथ की हुई इबादत का जरूर। दूसरी बात यह कि सिद्दीक अकबर के अल्लाह ताला अन्हु को आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी थी, अशरा मुबशरा में पहला नाम ही अबू बकर सिद्दीक का। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर के अल्लाह ताला अन्हु को कई मकामात पे बशारत दी। हुजूर ने सहाबा के सामने जिक्र किया कि है कोई जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना दिया हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं हुजूर मैं खाना खिला के आया हूं। जब
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कोई है जिसने आज जनाजे में शमूलियत की हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर मैं पढ़ रहा हूं। जो पूछते हैं, कोई है जिसने मरीज की आदत की हो? अस्करते हैं, हुजूर मैं कर लिया हूं। हुजूर पूछते हैं, कोई है जिसने आज रोजा रखा हो? सिद्दीक करते हैं, फरमाए जिसमें इतनी रेखें जमा हो, अल्लाह यकीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इशारा दी गई ना जब हुजूर ने जन्नत के दरवाजों का जिक्र किया, हर दरवाजा इबादत करने वाले को बुलाएगा, नमाज पढ़ने वालों को बाबू सलात से आवाज आएगी, रोजा रखने वालों को बाबू रियान से आवाज आएगी, हज करने वालों को बाबू हज से आवाज आएगी, उमरे वालों को बाबू उमरा बुलाएगा, सबके वाले को बाबू सबका बुलाएगा। ये नेकियों के अपने दरवाजे में नेकोकारों को आवाज देंगे, इधर आ इधर से ला कर। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हुज़ूर उम्मत में कुछ ऐसा भी है जिसको सारे दरवाजे आवाज देंगे? मेरे नबी ने अबू बकर का नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइएगा कि जन्नत की बशारत हो और फिर भी अल्लाह का खौफ हो, परिंदों को चहचहाता हुआ देखे, उड़ता हुआ देखे, ठंडी और कहते परिंदे तो कितना खुश किस्मत है, टहनियों पे चहक रहा है, जहां से बंदे चुप लेता है, और कयामत के दिन इतना हिसाब नहीं। काश के अबू बकर बंदा उल्टा चिल्लता वक्त गुजार लेता और कयामत के हिसाब से बच जाता। साहिब जरा देखिएगा कि इतनी बड़ी शख्सियत जन्नत की बशारत हो और खौफ का ये आलम हो कि परिंदों को देख के भी ये सोचें कि तेरा तो हिसाब नहीं होगा, मेरा तो हिसाब होगा, अल्लाह के खौफ की वजह से आपका वजूद टहनियों की तरह काम करता है। सारे मैं और आप देखिए, हमारे पास तो कोई सनद भी नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने दे दी, हमारे पास तो कुछ अमल हमारा जहां है वो हम जाते, हम कहां खड़े हैं ये हमें पता है, और उसके बावजूद हमारा जो बेखौफी का आलम है वो भी अपनी जगह है। कितनी इबादतें करते हमें पता है। मैं कहता हूं कि हम पिछली जिंदगी को नहीं देखते, आज का जो दिन गुजर रहा है, सुबह से लेकर अब ईशा की नमाज पढ़ी गई, सिर्फ आज के दिन का मुहासबा कर रहे हैं।